पिक्चर अभी बाकी है दोस्त। ऐसा है कि ट्रेलर जब हमने भी देखी तो हम भी बड़े एक्साइटेड हो गए थे, एंड हमने एक्चुअली फिल्म भी देखी हुई है, तो गारंटी है कि इससे 100 गुना ज़्यादा बेहतर है फिल्म। हाँ जी, 1 जून को आ रही है हमारी पिक्चर फेमस, और ट्रेलर को बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। जिन्होंने नहीं देखा है, हम रिक्वेस्ट करेंगे भाई ट्रेलर ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि ट्रेलर ही देख के लोग अपना मन बनाते हैं कि ये फिल्म हमने देखनी है कि नहीं देखनी है। तो अगर आपने ट्रेलर नहीं देखा है तो सबसे पहले आप प्लीज़ वो ट्रेलर देखिए, तो आपको फील मिल जाएगी फिल्म किस टाइप की। वही बात, मैं बिल्कुल सहमत हूँ, ट्रेलर पसंद किया जा रहा है, यूथ काफ़ी एक्साइटेड है। मुझे दिल्ली से DU JNU के बच्चे रोज़ मैसेज करते हैं कि बड़ा धमाल है। तो फिल्म भी उतनी ही अच्छी है, 1 जून को आ रही है, फेमस बनना है तो फेमस देखो। देखिए अब क्या है ना, आदमी की एक प्रवृत्ति होती है, हर कोई फेमस होना चाहता है अपने मोहल्ले में, अपने घर में, अपनी सोसाइटी में, तो उन्हीं कुछ फेमस होने वाले लोगों की कहानी है। कास्टेड फिल्म होती है तो सेट पे बड़ा ही बहुत बड़ा अच्छा माहौल होता है। क्या यादें रही, क्या कुछ एक्सपीरियंस रहा, उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहिए? एक तो ठंड थी, नवंबर दिसंबर में हम लोग शूट कर रहे थे, कहीं ना कहीं हम लोग लकी भी थे क्योंकि नॉर्मली नवंबर में फॉग शुरू हो जाती है बिगिनिंग दिसंबर में। हमारा स्केड्यूल ख़त्म हो रहा था और आज रात को हमारा ख़त्म हुआ और आज रात से फॉग शुरू हुई, तो कहीं ना कहीं किसी का हाथ था फिल्म के ऊपर कि स्मूथली इतनी ठंड में जो है वो सुबह 7 बजे से लेकर रात के 10-11 बजे तक हम लोग आराम से शूट करते थे वहाँ पे, और काफ़ी वॉलेटाइल जगह है, वहाँ पर भी हम लोग जो है आराम से शूट करके आ गए। तो मुझे लगता है किसी का तो हाथ होगा ऊपर। जहाँ तक एक्सपीरियंस का सवाल है, मैंने कभी चंबल की तरफ कभी गया ही नहीं लाइफ में, तो मुझे बड़ा इंट्रिगिंग लगा वो जगह, बहुत यूनिक जगह है, और वहाँ जाते हैं तो लगता है कि कुछ इतिहास तो है इस जगह के अंदर। इट्स अ वेरी नाइस फीलिंग टू गो देयर एंड शूट, तो एंड प्लस वहाँ के लोग भी बड़े यूनिक हैं, मूछें, बंदूक, ये सारी चीज़ें आम होती हैं वहाँ पे, वैसा मैंने कभी देखा नहीं था अपने लाइफ में, तो मेरे लिए बड़ा यूनिक एक्सपीरियंस रहा शूटिंग करते हुए। और प्लस ऐसे दोस्त अगर मिल जाए तो फिर तो जिमी और पंकज जो हैं, हमने बहुत धमाल किया है। अब धमाल जो है क्या है मत पूछिएगा, वो हम बता नहीं सकते, लेकिन किया हमने बस। बहुत याद है, एक तो चंबल नदी जो है ना, हिंदुस्तान की सबसे साफ सुथरी नदी है, तो वो तो फिल्म के साथ साथ लोगों को नदी देखने भी जाना चाहिए, बड़ी खूबसूरत नदी है चंबल, दोनों किनारे उसके, उसमें दो रेलवे का पुल है पुराना, तो हम लोग तो बोटिंग करने जाते थे, तो लैंडस्केप खूबसूरत है, लोग बेहतरीन हैं, खाने बड़े अच्छे हैं वहाँ पे, एक रियाज का ढाबा था हाईवे पे, बहुत बढ़िया खाना खिलाते हैं वो, बहुत सारी यादें हैं वहाँ की। अब चंबल हमारे अंदर भी है, पहले हम दूर से देखते थे, हम अब रह के जी के आए हैं चंबल को। फिल्म के लिए खास ये दो वजह बताइए, मनोरंजन पहली वजह है और दूसरी वजह भी मनोरंजन ही है। बिल्कुल, होलसम एंटरटेनमेंट प्लस गुड सिनेमा साथ में, सिर्फ ऐसे नहीं, और बहुत बहुत अच्छी कहानी भी है, तो एम्पल रीजंस। इतना सोचिए मत, जाइए फिल्म देखिए, एंजॉय कीजिए, और आई एम श्योर जिन्होंने ट्रेलर देखा है वो तो डेफिनेटली जाएंगे। एक तारीख को आ रही है हमारी फिल्म फेमस, और प्लीज़ जाइए और देखिए, एंजॉय कीजिए फिल्म। बस वही, 1 तारीख को आप एक काम करना, जल्दी से एडवांस बुकिंग कर लेना, क्योंकि टिकटें मिलेंगी नहीं, तो आप प्लीज़ पहले से कर लेना, क्योंकि ये फिल्म डेफिनेटली मतलब बहुत अच्छी लगेगी लोगों को। वही 1 जून को फेमस आ रही है, एक दुनिया क्रिएट किया है करण भुटानी ने, हम अभिनेताओं के संग मिल के, जैकिदा नहीं है, सोया नहीं है, पूरी टीम है बड़ी, और भी बहुत सारे अभिनेता हैं, तो एक दुनिया क्रिएट की गई है, आप देखिए वो दुनिया, हो सकता है रंग बिरंगी है, पसंद आए। शुक्रिया, थैंक यू सो मच, शुक्रिया दोस्तों।